देखिए वीडियो काफ़ी लंबा होने कारण हम इसको शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट को मेंशन कर दे रहे हैं जैसे फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट आप पढ़े अभी बता दिए हैं तो उसमें क्या क्या फैक्टर है उसको उसे पॉइंट वाइज देख लेना है देखिए द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ़ द कंट्री ऑफ द रन ऑफ कश टू मिजोरम ये इफेक्ट करता है इंडिया का क्लाइमेट को फिर हिमालय जो है प्रिवेंट करता है कोल्ड विंड को उसके बाद जो क्लाइमेट in है एसोसिएटेड विथ वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवन बाय द वेरियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ठीक है उसके बाद जो है एन अपेरेंट फोर्स कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन कॉरेस्ट फोर्स के कारण भी जो है इंडिया का क्लाइमेट इफेक्ट होता है उसका जेट स्ट्रीम आर नैरोबिल्ट हाई अल्टीट्यूड होता है जो ट्वेल्व थाउजेंड मीटर के में है वो ऊपर में है वेस्टर्नली विंडस इन द ट्रॉपोस्फेयर ठीक है ये इफेक्ट करता है फाइनली द वेस्टर्न साइक्लॉनिक डिस्टर्बेंस जो है ये भी इंडिया का क्लाइमेट को इफेक्ट करता है उसके बाद इंडिया का मानसून के बारे में जो अभी पढ़ा है हम लोगों ने उसमें देख लेते हैं इंडिया का जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय द मानसून विंड मानसूनी विंड जो चलता है उसके कारण इंडिया मानसून जो है फिर देखिए आई के बारे में बता दिए लो प्रेशर इन इक्वेटेरियल एटीट्यूड लो एक्वेटेरियल एटीट्यूड की तरफ लो प्रेशर रहता है तो सिर्फ अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि सिर्फ इक्वेटर पे ही नहीं इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैन कैप्रिकॉन के भी पास रहता है फिर उसके बाद रिवर्जल ऑफ इन द प्रेशर कंडीशन एंड ईस्टर्न पेसिफिक ओशियन हैविंग लोअर प्रेशर देन ईस्टर्न इंडियन ओशियन एज अ पर्योडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन नोन एज द साथर्न ऑसेलेस ठीक है फिर अनो के बारे में देख चुके हैं आप लोग की अनिनो क्या है वार्म ओशन करेंट है दैट फ्लो पास द प्रुवेरियन कोस्ट एंड द प्लेस ऑफ द कोल्ड प्रवेरियन कंट करेंट एवर टू से फाइव ईयर टू से फाइव ईयर तक ये अलिनो विंड ये मूव करता है देखिए फिर जो है ऑनसेट ऑफ़ द मानसून एंड विड्रॉल द मानसून आर विंड्स डिफरेंट एटमोसफेरिक कंडीशन एनकाउंटर्ड इट्स ऑन इट ऑन इट्स वे ओवर द वार्म्रॉपिकल सीज ठीक है उसके बाद मानसून अराइव एट द साथन टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली फर्स्ट वीक ऑफ द जून जून के फर्स्ट वीक में आता है उसके बाद अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन तो गंगा प्लेन की तरफ जो मूव करता है हवा इधर आपका जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ से फिर द वेस्टर्न द विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मोर ग्रेजुअल प्रोसेस विच बिगेन्स द नॉर्थन वेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय अर्ली सेम्बर फिर अर्ली सेप्टेंबर में जो सेप्टेम्बर के टाइम में फिर मूव करता है आपका नॉर्थन वेस्ट के तरफ नॉर्थन वेस्टर्न के तरफ आपका ये विंड फिर द रिट्रीटिंग मानसून और द ट्रांजिशन सीजन सी द चेंज फ्रॉम हॉट रेनिंग सीजन ड्राई विंट्री कंडीशन ठीक है हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंट्रीज कंडीशन में चेंज होता है फिर लो प्रेशर जो कंडीशन है उसके बाद नॉर्थन वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न में इंडिया गेट ट्रांसफर्ड बाय द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर और फिर साइक्लोनिक डिप्रेशन आता है अंडमान निकोबार आइलैंड के तरफ अंडमान निकोबार सी जो है अंडमान सी कह सकते हैं फिर रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओइंग टू द नेचर ऑफ द मानसून द एनुअल रेनफॉल इज़ हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर एनुअल रेनफॉल जो है वो चेंज होते रहता है हमेशा फिक्स नहीं है कि इतना ही रेनफॉल होगा कहीं ज़्यादा कहीं कम किसी किसी साल में ज़्यादा भी होता है किसी किसी में कम वो डिपेंड करता है कि हीट कैसा रहा लो प्रेशर वर्ल्ट के थ्रू लो प्रेशर से फिर कितना क्लाउड्स बना ये सब पर डिपेंड करता है एरिया ऑफ हाई रेनफॉल आर लियालेबल टू बी अफेक्टेड बाई फ्लड तो देखिए ज़्यादा होने से फ्लड होता है वाइल एरिया लो रेनफॉल और ड्राउट पोन ठीक है तो जिस जगह पे लो रेनफॉल होता है वहाँ तो ड्राउट आएगा जिस जगह में हाई रेनफॉल होगा वहाँ पर फ्लड आएगा तो ये फ्लड और आ, क्या बोलेंगे ड्राउट ये दो तरह का नेचुरल डिज़ास्टर है इसके बारे में आप चाहे तो थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं फिर जो है सीजन्स के बारे में है कि द इंडिया में फोर मेन सीजन कैन बी आइडेंटिफाई इन इंडिया कोल्ड वेदर सीजन हॉट वेदर सीजन एडवांस मानसून और रिट्रीटिंग मानसून ठीक है मानसून को दो पार्ट में कर दिया गया एडवांस मानसून और रिट्रीटिंग मानसून में उसके बाद इन द कोल्ड वेदर सीजन द नॉर्थन ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर इंडिया नॉर्थ ईस्ट के तरफ से विंड चलता है इंडिया में कोल्ड वेदर में ठीक है नॉर्थ की तरफ से नॉर्थ पोल की तरफ से फिर डे आर वार्म एंड नाइट आर कोल्ड तो और क्या बे है मतलब ये जो है डे काफ़ी वार्म होता है नाइट कोल्ड होता है फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड हायर स्लोप्स इन द हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल तो जहाँ हिमालय का स्लोप जो स्लोप्स है उस जगह पे हायर आपका स्नोफॉल होता है फिर समर मंथ में एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर ठीक है फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री तो नॉर्थन पार्ट जो इंडिया का उसमें काफ़ी एयर प्रेशर होता है और टेम्परेचर बढ़ने कारण फॉलिंग एयर प्रेशर दैट मीन्स कि एयर प्रेशर जो है वहाँ पे कम हो जाता है ठीक है लो एयर प्रेशर बनता है फिर स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हॉट वेदर सीजन और स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंडस ब्लोइंग डूरिंग द डे ठीक है हॉट वेदर में क्या होता है गस्टी है हॉट है ड्राई विंड्स ये सब चलता है ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थन वेस्टर्न में नॉर्थ वेस्टर्न में ठीक है इंडिया इज़ कॉल्ड लू तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आता है लू लू को डिफाइन करने के लिए आ सकता है कि वाटर लू लू को डिफाइन कीजिए तो फिर लू क्या है तो आप कह सकते हैं कि हॉट विंड जो चलता है आपके समर सीजन में और डे के टाइम में ड्यूरिंग डे और वो जो विंड चलता है वो नॉर्थ एंड नॉर्थ एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ चलता है फिर इन एडवांस मानसून में क्या है रेनी सीजन है नॉर्थ एन वेस्टर्न रीजन नॉर्थ वेस्ट से के तरफ और कंट्री रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल नॉर्थ वेस्ट का जो रीज़न है इंडिया का मैप में देखिएगा नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा जो है उस जगह पे काफ़ी मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है फिर मॉनसून हैज़ ब्रेक इन रेनफॉल दस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पिल्स तो काफ़ी वेट मतलब होता है फिर द अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पिल्स वेयर इज द इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन काउजिंग हैवी फ्लड ठीक है हैवी फ्लड आता है इन वन पार्ट एंड ड्राउट इन अदर पार्ट तो जिस जगह में ज्यादा आपका बना था लो प्रेशर बिल्ट उस जगह में ज्यादा रेनफॉल हो सकता है हाई प्रेशर बिल्ट में कम रेनफॉल भी, भी, भी हो सकता है जिस कारण से फ्लड भी आ सकता है कहीं कहीं पर ड्राउट भी हो सकता है ठीक है फिर क्या है मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड द डिपेंडेंस ऑफ फार्मर ऑन रेन तो देखिए ये तो पढ़े होंगे कि इंडियन फार्मर जो है वो पूरा कम्प्लीटली डिपेंडेंट है मानसून पे तो फार्मर जो है डिपेंडेंस है रेन पे एंड चेंज ऑफ सीजनल साइकिल वेरिएंस इन टेम्परेचर द नीड ऑफ ह्यूम प्लांट एंड एनिमल फेस्टिवल डेट्स इट सी ऑल डिपेंड ऑन द ऑन मानसून इन इंडिया तो इंडिया में सब कुछ मानसून पर ही डिपेंड करता है इंडिया में ठीक है इन दिस वे मानसून इज़ अनफाइन नहीं यूनिफाइंग बॉन्ड फॉर इंडिया ठीक है ये क्वेश्चन बन सकता है तो आप मतलब आंसर कर सकते हैं कि वाई इंडियन मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड ठीक है इंडियन के लिए क्यों है तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो समझ में आया हो मैंने लास्ट के कुछ पेजेस को स्किप करके कुछ शॉर्ट पॉइंट बना दिया जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को एक्सप्लेन किया है तो वीडियो अगर समझ गए हो तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर नहीं समझो तो फिर भी कमेंट कीजिएगा हम कोशिश करेंगे और बेस्ट से बेस्ट करने का और अच्छे तरीके से इसको बनाएं अगर समझ गए तो अब तो काफ़ी अच्छी बात है तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर